और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। जम्मू में देर रात लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया। इस आतंकी के पास से 8 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। एसओजी की टीम आतंकी से पूछताछ कर रही है। तो जम्मू में लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया है। जानकारी आप सबको दे दें कि जम्मू में ये लश्कर का आतंकी पकड़ा गया है, जिसे एसओजी की टीम लगातार अब पूछताछ कर रही है। राजन वैद्य हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, क्या जानकारी मिल रही है इस आतंकी के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए कल रात को जो है एक नाके के ऊपर एक स्पेसिफिक जो है इंटेलिजेंस इनपुट थी कि एक जो मिलिटेंट है वो कश्मीर घाटी से आने वाला है, उसके पास हथियार और असला हो सकता है, इसलिए चेक जितने भी नाका पॉइंट है उनको अलर्ट किया गया था। कल देर रात को इस शख्स को एक बस से पकड़ा गया, जिस बस में इसके बैग से 8 जो है ग्रेनेड पकड़े गए हैं। ये कश्मीर के अवंतीपुरा से यहाँ जम्मू पहुंचा था ग्रेनेड लेकर, और इसका मकसद था कि किसी तरह दिल्ली पहुंचा जाए और जो इंडिपेंडेंस डे है उससे पहले एक बड़े धमाके किए जाएं, सीरियल ब्लास्ट किए जाएं। अभी आईजीपी जो जम्मू जोन है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया है कि ये जो है ये मिलिटेंट पिछले एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ये मिलिटेंट जब बना था तो ये हरकतुल गज़बे हिंद एक ज़ाकिर मूसा का जो एक टेरर आउटफिट है उससे संबंधित था, और इससे पहले इसकी लश्कर तोयबा से थी ये इससे उससे वाबस्ती जो है इसकी रही थी। तो इसका पकड़े जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। और मंसूबे कितने खौफनाक है राजन, इसे समझा जा सकता है कि 8 ग्रेनेड इसके पास से बरामद किए गए हैं, यानी कहा जा सकता है कि तार और ज्यादा गहरे हो सकते हैं, कुछ और कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ मिल सकती है, जो जानकारी अब सामने आएगी। जो आईजी साहब ने यही बोला है कि जो अभी हम ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें अभी पूछताछ चल रही है। इसके और भी जो साथी हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो इसके साथ जम्मू में मिले हुए हो सकते हैं, कहीं छुपे हुए हो सकते हैं, और ये ग्रेनेड दिल्ली में कहां लेके जाने वाला था, किसको देने वाला था, इसकी भी अभी तफ्तीश हो रही है। तो ये एक बड़ा मामला था क्योंकि इसके जो जितने भी तार हैं वो दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं और कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं। इससे ये साफ हो जाता है जो ये जितने भी ये तंजीमें हैं इनके जो आउटपुट है उनका कुछ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो दिल्ली में भी मौजूद हैं, जो इससे ग्रेनेड की जो ये जो इसको लेकर एक सीरियल ब्लास्ट प्लान करने वाले थे इंडिपेंडेंस डे से पहले। पुलिस का कहना है ये बहुत बड़ी कामयाबी है, उसकी पूछताछ अभी चल रही है और बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। शुक्रिया राजन जानकारी के लिए आपका। तो राजन हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये गिरफ्तारी आतंकी की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि अभी फिलहाल किसी तरह के खुलासे नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार आतंकी के पास से 8 ग्रेनेड का मिलना और एसओजी का अब पूरी इस पूछताछ में करना अपने आप में बताता है कि ये पूरा मामला जो है वो कितना गंभीर है, और साथ ही लश्कर का जो ये आतंकी पकड़ा गया है उससे कितने बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। राजन शुक्रिया जानकारी के लिए आपका, लेकिन नजर इस खबर पर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो एसओजी की टीम आतंकी से लगातार पूछताछ कर रही है। जम्मू से लश्कर का ये आतंकी पकड़ा गया है और गिरफ्तार आतंकी के पास से 8 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। अंदाजा लगाना आसान है कि किस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश इस आतंकी के जरिए यहां पर की जा रही थी।